तमिलनाडु के एक शांत गांव ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का जश्न ऐसे मनाया जैसे ये उसकी अपनी जीत हो। ये छोटा सा गांव राज्य के भीतर भी लोकप्रिय नहीं है, तब भी कमला हैरिस की उम्मीदवारी के बाद से ही जश्न मनाने के रंग में रंगा रहा। ये गुमनाम गांव वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस से करीब 14,000 किलोमीटर दूर है और यहीं पर कमला हैरिस के नाना पीवी गोपालन और राजम रहते थे। इस पिंगनाडु थुले सेंद्रपुरम गांव तक पहुंचने के लिए आपको तंजावुर से मन्नारगुड़ी की ओर करीब 45 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। फिलहाल यहां करीब 70 परिवार रह रहे हैं। वर्ष 1911 में जन्मे गोपाल ने 20 से 25 की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए गांव छोड़ दिया। बाद में वे एक बड़े सरकारी अफसर बन गए। कमला की जीत की खबर खुशी लाई थी। वह हमारे घर की एक महिला है। हमने अपने घर के आगे के हिस्से को रंगोली से सजा दिया है। हम लोगों ने मिठाई बांटने के अलावा आतिशबाजी भी की, विशेष रूप से कमला हैरिस की पसंदीदा इडली और सांबर के साथ। उनके परिवार के देवता धर्मस्था मंदिर में एक सामुदायिक दावत का आयोजन भी किया गया। जब कमला की मां श्यामला को 1950 के दशक में अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली तो गोपालन ने एक पल भी देर किए बगैर उसे इसे लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका में करियर बनाते समय डॉक्टर श्यामला गोपालन ने जमैका मूल के डोनाल्ड हैरिस से शादी कर ली। उनकी दो बेटियां थी। कमला की छोटी बहन माया हैरिस पेशे से वकील है। गांव में श्री धर्मस्थ अय्यर मंदिर कमला के परिवार से दान पाने का दावा करता है। मंदिर के ट्रस्टियों का कहना है कि वे परिवार से दान प्राप्त करते रहे हैं। हालांकि वे बहुत समय पहले गांव से बाहर चले गए थे और प्रसादम नियमित रूप से कमला के चाचा बालचंद्रन और चाची डॉक्टर सरला गोपालन को भेजा जा रहा था। जब मतदान चल रहा था तो पिंगनाडु थुले सेंद्रपुरम गांव के निवासियों ने मंदिर में भोजन किया और कमला हैरिस की जीत के लिए प्रार्थना की। संयुक्त राज्य अमेरिका में गिनती शुरू होने पर यह काम फिर किया गया था। उसकी जीत से हमारे यहाँ पिछले साल दीपावली पहले ही आ गई। हमने उसी तरीके से जश्न मनाया। हमें उम्मीद है कि वह अपने परिवार के देवता के यहाँ दर्शन करने आई। उसकी चिट्ठी मामी डॉक्टर सरला गोपालन कहती हैं कि कमला हैरिस ने वह सब हासिल किया जो वो करना चाहती थी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं चंडीगढ़ में काम करती थी। कमला हम लोगों के पास कई बार चंडीगढ़ और अन्य स्थानों पर आई है। हम लोगों ने हमेशा उसे एक अच्छे बच्चे के रूप में बड़े होते देखा है। वह जो भी करती थी उसमें वह बहुत अच्छा करती थी और उसने वह हासिल कर लिया जो वह करना चाहती थी। कमला हैरिस पहली महिला, पहली अश्वेत, पहली भारतीय अमेरिकी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली पहली एशियाई हैं। कैलिफोर्निया की 56 वर्षीय सीनेटर सीनेट में पहुंचने वाली केवल 3 एशियाई अमेरिकियों में से एक हैं। वे सैन फ्रांसिस्को के जिला अटॉर्नी के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला अफ्रीकी अमेरिकी और भारतीय मूल की थी। उन्हें समावेशी प्रगति के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए महिला बराक ओबामा के नाम से जाना जाता है। सिर्फ पिंगनाडु थुले सेंद्रपुरम और राज्य ही नहीं, पूरा भारत गर्व के साथ अपनी बेटी को मां के प्यार के साथ व्हाइट हाउस से नेतृत्व करने के लिए बधाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।